सुरभि में आपका इस वक्त रुख कर रहा हूं। सुरभि, एक बात बताइए, सियासी चर्चाएं तो बहुत हो रही है, काफी सियासी गर्मा गर्मी इस पर देखने को मिल रही है विपक्ष की तरफ से खासतौर पर। हालांकि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसको 3 दिन के लिए बंद किया गया, लेकिन आपसे वहां पर लोगों से जो बात हुई है, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना को? अगर पर्यटकों की यहाँ पर बात करूँ और उनकी बात कहूँ तो शायद हमारे तमाम गेस्ट को ये जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्यटकों का भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री जब जब कोई भी स्पिरिचुअल मौका होता है या स्पिरिचुअल कनेक्ट हमेशा अपने देशवासियों के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी वो सराहना कर रहे हैं। चाहे वो नवरात्र का वक्त हो, चाहे वो मौन साधना हो, ध्यान साधना हो, या कभी भी अगर वो केदारनाथ जाएँ, कहीं भी जाते हैं तो ना सिर्फ उसकी सांस्कृतिक वैल्यू, उसकी हेरिटेज वैल्यू का वो जिक्र करते हैं, लेकिन उसका जो धार्मिक कनेक्ट है उसका भी जिक्र किया जाता है। तो करुणा, आम लोगों के जहन में इस वक्त जब हम उनसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और ये हमने कल कैमरे में लाइव बातचीत के दौरान भी समीर दिखाया था, जब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया था कि चाहे छोटे हो या बड़े, सभी इस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आते हैं तो लोगों के बीच एक बड़ा संदेश इस लिहाज से जाता है कि किस तरीके से भारत की ये एक और सांस्कृतिक धरोहर है और भारत की एक ऐसी संस्कृति है जिसमें इतिहास है, और वही इतिहास आज यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उन्हें जानने को मिलता है जब वो ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है या कवि तिरुवल्लूर की वो प्रतिमा है जिसके बारे में। आप जिन बातों का जिक्र कर रही है ना, इसी से जुड़ा शिवम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, वो जितने बड़े नेता हैं वो कुछ भी करते हैं उसका असर पड़ता है, तो यही तो ऑपोजिशन कह रहा है। हमने देखा ना, लक्षद्वीप में जाकर बीच पर टहल भी लेते हैं तो मालदीव परेशान हो जाता है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देखिए, यहां पर आप ध्यान साधना कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऑपोजिशन परेशान हो रहा है कि वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। जी तो क्या करें, टहलना बंद कर दें अगर ऑपोजिशन परेशान है तो, या मंदिर जाना बंद कर दें, या धर्म छोड़ दें अपना, या पूजा करनी बंद कर दें, या नवरात्र का व्रत रखना बंद कर दें, या इस मौन रख बंद कर दें, क्या करें आप बताइए ना। ये तो हर चीज से परेशान है। प्रधानमंत्री जी बोले तो नाराज, रैली करे तो नाराज, ना बोले तो नाराज, मौन रहे तो नाराज, भैया आप ही बता दो क्या करूँ। और दूसरा, एक और बार बार कहा जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन है। मैं तो स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, मेरे बाद समाजवादी प्रवक्ता या कांग्रेस जो भी बोले बता दे, एमसीसी के पर्टिकुलरली किस रूल का उल्लंघन हो रहा है? पॉइंटेड सवाल है। और इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं 26 तारीख को जो है वायनाड में चुनाव था, उसी 26 तारीख को जो है कर्नाटक में राहुल गांधी रैली कर रहे थे, वो रैली आप सभी लोगों ने काटी, उसको लाइव दिखाया, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं था? अगर ये वायलेशन है आपको चुनाव भी नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा 13 तारीख को कन्नौज में चुनाव था, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी बराबर के गृह जिले में जो है रैली कर रहे थे, वो भी लाइव दिखाई गई, उसके भी तमाम फुटेज दिखाई गए, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था क्या? मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क करने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं मानता हूं कि आधी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोनों की रैलियां क्लब करके भी मिला ली जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम है। थोड़ी मेहनत करो भगवान। आइए डॉक्टर टीना, जो ये पिन पॉइंट सवाल पूछा है आपसे एक शिवम ने, उसका जवाब दीजिए। बार बार कहा जा रहा है आचार संहिता का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन, कैसे हुआ आचार संहिता का उल्लंघन? कौन सा ऐसा रूल है जिसे वायलेट किया गया? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल जी ने अपनी जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी वो तो यहीं से शुरुआत की थी, लेकिन मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। आप बताइए कि आज किस तरीके से राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल पद यात्रा की, और वही डाटा मिसिंग। ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं मिली। TV9 भारतवर्ष ने बहुत अच्छे से कवरेज की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी। नहीं नहीं नहीं, ये इसीलिए फ्रेंड्स फ्रीडम इंडेक्स बार बार हम कह रहे हैं कि उसमें गिरावट, रैंकिंग में गिरावट भी इसलिए आ गई है कि मीडिया भी बायस्ड है पूरी तरीके से। आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछा गया वो तो उसका तो जवाब दे दीजिए। एमसीसी के कौन से रूल को वायलेट किया पीएम मोदी ने? अगर वन मैन शो करना चाहते हैं, वन मैन शो, तो ठीक है, दिखाइए मीडिया में, खूब दिखाइए मोदी जी को कि वो साधना कर। नहीं, डॉक्टर टीना जी, जो अभी बात मेरे सहयोगी समीर की तरफ से भी कही गई, राहुल गांधी से चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हो या फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक की यात्रा हो, हर एक यात्रा को, हर एक कवरेज को दिखाया गया। आप इस मसले पर आप बात नहीं करें कि आचार संहिता का जो सवाल पूछा गया, टैक्सपेयर का पैसा डुबोया है मोदी जी ने, इस देश पे कर्ज बढ़ाया है और टैक्सपेयर का पैसा खुद के ऊपर उड़ाया है। आप देखिए कि क्या, आप बताइए कि क्यों नहीं महंगाई पर बोल रहे हैं? महंगाई पर इस देश में हाहाकार मचा हुआ है, आप इनसे पूछिए सवाल।
गरीबों को कभी नहीं संज्ञान लिया। चलिए ठीक है। डॉक्टर टीना जी वक्त बहुत कम है। हमें एक और खास मेहमान का रुख करना होगा। राम कृपाल सिंह जी, आप लगातार देख रहे हैं विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनकी बातों को आप लगातार सुन रहे हैं। सवाल जब उनसे पूछा जा रहा, और सवाल इसी से शुरू हुआ था, एमसीसी के उल्लंघन की बात की गई थी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात की गई थी, लेकिन तमाम वो मुद्दे फहरिस्त गिना दी जा रही है जो चुनाव प्रचार में शोर में नजर आया, कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा अभी वो कह रही थी कि मीडिया नहीं दिखाता, भाई मीडिया, आप अन्ना हजारे ने कोई मीडिया को इनवाइट नहीं किया था। अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, सारा मीडिया वहां पहुंच गया था। दोबारा वही अन्ना हजारे आए, वो मीडिया नहीं गया। देखिए, ये मीडिया कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये उसकी स्वतंत्रता का सवाल है। नहीं, सुन लीजिए। और मेरा ये कहना है कि अगर मोदी को दिखाया जाना टीवी पर, अगर आचार संहिता का उल्लंघन है, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये 14 के बाद भी हुआ था, 19 के बाद भी हुआ था, तो अगर ये उल्लंघन था तो आप इसकी शिकायत कर सकते थे। अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता आपकी शिकायत, तो अदालतें हैं, आप इस वक्त कर सकते थे। लेकिन आपको पता था कि मोदी जी जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होगा उसके बाद ये जाते ही हैं, कहीं बैठ के आराम करते हैं, चाहे वो ध्यान करें जो भी। तो मेरा ये कहना है कि आज अगर इस चीज को आप उठाओगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। ये आपका जो अब तक का भरोसा आप कह रहे हैं ना कि 4 जून के बाद हम सत्ता में आएंगे, अगर आपको इतना भरोसा होता तो मोदी के फोटो से डर नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। इस डिबेट के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम कृपाल जी का कुल मिलाकर यही कहना है कि ये तो उन्होंने 2014 में भी किया, पीएम मोदी ने 2019 में भी किया, फिर ऑपोजिशन के पास इसकी काउंटर स्ट्रेटजी क्यों नहीं नजर आ रही है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों किया जा रहा है?